हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता बाला और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एस बाला ट्यूटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म। सो हमने देखा था कि एल्टूरिज्म जो थे वो किस तरह से इवॉल्व हुए, और हमने जब पहला लेसन एल्टूरिज्म का किया था तो वहाँ पे इस बात को डिस्कस किया था कि क्यों एल्टूरिज्म का जो ट्रेट था वो फेवर किया गया बाय द नेचर। उसमें हमने देखे थे कि एल्टूरिस्टिक बिहेवियर जो है वो तीन तरीके से शो की जाती थी। पहला तो था ग्रुप को सिलेक्ट करके, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। सेकंड था किन सिलेक्शन के थ्रू, यानी अपने रिलेटिव्स के लिए फेवर प्रोवाइड करते हुए। और तीसरा था हमारा रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म। रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म जो है वो नॉन किन एनिमल्स के बीच में देखने को मिलता है। तो हम चलिए समझते हैं कि क्यों रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म जो है वो इवॉल्व हुआ, इसके बारे में सबसे पहले हमें किसने आइडिया दिया था। ओके, तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो शुरू करेंगे हमारा आज का ये लेक्चर। बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे इस चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, चलिए जानते हैं हमारे रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं रेसिप्रोकल टर्म को, क्या होता है रेसिप्रोकल का मतलब। रेसिप्रोकल का अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो होता है म्यूचुअल, हिंदी में से कहते हैं परस्पर। ठीक है, यानी मैं आपकी मदद कर रही हूँ तो बदले में आप ही मेरी मदद करेंगे। ये होता है म्यूचुअल रिलेशनशिप, जो कि आपसी तालमेल, आपसी समझदारी के साथ चलता है। ठीक है, रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म के बारे में सबसे पहले हमें ट्रेवर ने बताया था इन 1971। ठीक है, उन्होंने हमें बताया था कि एक एल्टूरिज्म ऐसा भी है जो कि रिलेटिव्स या ग्रुप के अंदर नहीं, बल्कि नॉन रिलेटिव्स या नॉन कीन एनिमल के बीच में देखने को मिलता है। दो अनजान, या यूँ कह सकते हैं दो अलग अलग प्रजाति के जो जीव हैं वो भी आपस में एल्टूरिस्टिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। ऐसा सबसे पहले हमें किसने बताया? ट्रिवर्स ने। ठीक है, इन 1971 उन्होंने बताया कि इस तरह के एल्टूरिज्म में क्या होता है, जो एल्टूरिस्ट होता है वो कुछ समय के लिए जो है अपने बेनिफिट को या फिर अपनी फिटनेस को रिड्यूस करता है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि भविष्य में जो बेनिफिशियरी है, जिसे वो बेनिफिट पहुंचा रहा है, वो भी उसके लिए वैसा ही बिहेव करे। ठीक है, यानी अगर मैं आपको फ़ायदा पहुंचा रही हूँ तो बदले में ये मैं उम्मीद करूँगी कि कल को जब मुझे ज़रूरत हो तो आप भी मेरे लिए वहाँ पे मौजूद हो, मेरी मदद करें। ठीक है, रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म जो था वो देखने को मिला कि वैसे लोगों के बीच में होता है जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। मैंने जैसे अभी बताया कि अनरिलेटेड एनिमल्स या अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में देखने को मिलता है। दो लोग जो एक प्रजाति से नहीं है, एक परिवार से नहीं है, एक ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे के लिए एल्टूरिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेसिप्रोकल एल्टूरिज्म है ये हमें एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है नन कीन एल्टूरिज्म इवॉल्व हुआ, क्यों एक अलग प्रजाति का जीव जो है वो दूसरे प्रजाति के जीव के लिए एल्टूरिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है। भाई उसके परिवार का तो नहीं है, उसके ट्रेट को वो शेयर नहीं कर रहा, फिर क्यों, किस तरह से ये इवॉल्व हुआ? तो वहाँ कारण क्या था कि दो जो जीव हैं, दो एनिमल्स जो हैं, वो एक दूसरे के लिए एल्टूरिस्टिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। कब? जबकि उन्हें एक दूसरे से ये उम्मीद है कि एक जो है अभी अगर एल्टूरिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है तो दूसरा समय आने पे वो भी एल्टूरिस्टिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एल्टूरिस्टिक बिहेवियर होते हैं वो जनरली स्मॉल ग्रुप के एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। यानी का मतलब है जो छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहते हैं एनिमल्स, उनमें ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और जहाँ पे चांसेस ये होते हैं ना कि जो एनिमल्स हैं वो बार 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 एक दूसरे से मिलेंगे ही। ठीक है, तो एक छोटे एरिया में अलग अलग जो है एनिमल्स के ग्रुप हैं। ठीक है, जैसे आप अगर एक फॉरेस्ट का ले लें तो वहाँ पे जनरली कुछ जेब्रा और मंकीज़ के ग्रुप होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही कोई प्रेडेटर आना शुरू होता है, जो मंकीज़ होते हैं वो बहुत अधिक शोर मचाने लगते हैं। जैसे क्या होता है, जो
जेब्रा या डियर होते हैं ना, वो सतर्क हो जाते हैं कि अभी प्रिडेटर आ रहा है तो हमें अब यहाँ से भागना है, ठीक है, इस तरह से। और बदले में क्या होता है, मंकीज को उनके थ्रू वैसे जगहों का पता चलता है जहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारा जो है इंटरेक्शन क्या हो रहा है, चूँकि वो सारे एक ही जगह पर रह रहे हैं और बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, इस वजह से उनके बीच ये रेसिप्रोकल टाइप का एक्टिविज्म देखने को मिलता है। ओके, तो द कंसेप्ट इज क्लोज टू द स्ट्रैटर्जी ऑफ टिट फॉर टैट। यहाँ पे जो स्ट्रैटर्जी हो रहा है वो टिट फॉर टैट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना किसी भी गेम के अंदर, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करूँगा, अगर तुमने मेरे साथ अच्छा किया है तो मैं भी अच्छा करूँगा, अगर बुरा किया है तो मैं भी बुरा करूँगा, ठीक है। तो ट्रिवर ने दो कंडीशन सजेस्ट किए, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तभी रेसिप्रोकल अल्टुरिज्म देखने को मिलेगा। पहला कंडीशन क्या था कि जो बेनिफिट हो रहा है या उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट की पेमेंट की जा रही है वो या तो बेनिफिट के इक्वल हो या तो बेनिफिट से कम हो, यानी कॉस्ट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द बेनिफिट रिसीव्ड, यानी एक्टर जो कॉस्ट पे कर रहा है बेनिफिशियरी की तरफ, ठीक है, वो कॉस्ट भविष्य में जो उसे बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम द बेनिफिशियरी उस बेनिफिट के या तो बराबर हो या तो उससे कम हो। अगर उसे अधिक कॉस्ट पे करना पड़ रहा है देन वो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। ओके, सेकेंड था कि इंडिविजुअल जो था फेल होगा रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म शो करने में, वो मस्ट बी पनिश्ड, यानी पनिशमेंट किस तरह से मिलेगा कि अगर किसी एनिमल ने उसके अगेंस्ट की बेनिफिशियरी है कोई उसके अगेंस्ट रेसिप्रोकल अल्टरिज्म शो किया गया, ठीक है, अब किसी कारण से अगर वो एनिमल अब जो एक्टर था उसके लिए अल्टरिस्टिक बिहेवियर शो नहीं करता है, तो फ्यूचर में क्या होगा, जो एक्टर था वो बेनिफिशियरी के लिए फिर से कभी भी अल्टरिस्टिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज अगर आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो तो मैं आपकी मदद क्यों करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक फ्लो चार्ट है जिससे मैं आपको एक बहुत ही ईजी वे में समअप करना चाहूँगी। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, सपोज आई रिसीव अ फेवर फ्रॉम यू, आपने मेरे साथ कुछ फेवर किया, ठीक है, अब मैं उस फेवर को क्या की नोटिस की, ओके, मुझे उससे हैप्पीनेस मिली, आई रिकोगनाइज योर फेवर। एक चीज़ और है अल्ट्रिस्टिक बिहेवियर तभी हम शो करेंगे वेन योर फेवर गिव्स मी हैप्पीनेस और बेनिफिट, अगर आपकी फेवर से मुझे बेनिफिट हो रहा है तभी मैं उसके अगेंस्ट रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म शो करूँगी। ओके, अगर यहाँ पे मुझे किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो फिर इस तरह के फेवर के अगेंस्ट रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म नहीं शो किया जाता। ठीक है, तो आपने कुछ फेवर किया जिससे मैंने नोटिस किया और नाउ आई फील हैप्पीनेस, तो उसका दो सिचुएशन हो सकता है, या तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करूँगी, ऑब्लिगेट रहूँगी, या फिर आई डोंट फील ऑब्लिगेट टू डू यू एनी फेवर। ओके, अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि दैट आई एम ऑब्लिगेट टू यू फॉर अ फेवर, देन मैं क्या करूँगी, देन आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू डू फेवर टूवर्ड्स यू, मैं आपको पसंद करूँगी और आपके लिए फेवर करना चाहूँगी, ठीक है, तो इसे फिर हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेशन कहेंगे, यानी फेवर क्या है, रिटर्न करने की प्रक्रिया। दूसरा कंडीशन हमारा क्या कह रहा है, आई डोंट फील ऑब्लिगेट, ठीक है, मैं ऑब्लिगेट नहीं, आपने जो मेरे लिए किया मैं उसके लिए कोई भी आभार व्यक्त नहीं कर रही हूँ और बदले में मैं आपके लिए कोई फेवर करना नहीं चाहूँगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, नो रेसिप्रोकेशन, मैं कोई भी फेवर रिटर्न नहीं करूँगी। इससे क्या होगा, जो एक्टर है वो क्या फील करेगा, वो चीटेड फील करेगा बिकॉज यहाँ पे रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, देन क्या होगा, बिकॉज मैंने आपको चीट किया तो आप नेक्स्ट टाइम मेरे लिए फेवर तो नहीं करोगे, ओके, क्योंकि आपको कुछ मुझसे उम्मीदें थी, कुछ मुझसे बेनिफिट मिलने वाला था इसलिए आपने मेरी मदद की, अब अगर मैं कोई बेनिफिट आपको नहीं दे रही हूँ तो फिर आप नेक्स्ट टाइम मेरी मदद करोगे, बिल्कुल भी नहीं, ओके, तो इस तरह से क्या होगा, अब भाई मेरे भविष्य में अब जो आपसे मुझे फेवर मिल रही थी वो फेवर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल बिहेवियर शो करती हूँ देन क्या होगा, तब क्या होगा कि मैं आपके जो फेवर किया मुझे उसके अगेंस्ट मैं एक फेवर रिटर्न करूँगी, ठीक है, मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा करूँगी, अब ऐसे में क्या होगा, यू ऑल्सो लाइक मी,
इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगा, सारा कुछ पॉजिटिव होगा। ओके नाउ भविष्य में क्या होगा, फिर से आपको चूंकि मेरे द्वारा बेनिफिट मिल रहा है तो आप क्या करोगे कि भविष्य में फिर से कभी मौका लगा तो आप मुझे बेनिफिट पहुंचाओगे, इस उम्मीद में कि आगे भी मैं आपके लिए बेनिफिट पहुंचाती रहूंगी, आपको फेवर करती रहूंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रेसिप्रोकल अल्ट्रूइज्म जो है चलता है। ओके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखिए क्लीनर फिश का है। सो क्लीनर फिश क्या करती हैं, ये छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो बड़ी मछलियों के माउथ एरिया गिल रीजन जो होता है उसको क्लीन करती हैं, और क्लीनिंग के थ्रू क्या होता है बड़ी मछली को जो है वो जो भी पैरासाइट्स होते हैं उनसे उनको छुटकारा मिलता है, बदले में इन छोटी मछलियों को क्या मिलता है, भोजन मिल जाता है, वो उन्हें खा लेती हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब ये सफाई कर रही थी उसी वक्त उन बड़ी मछलियों पे अगर किसी तरह का अटैक होता है तो क्या होगा, वो भागने के लिए ऐसा नहीं होगा कि इन छोटी मछलियों को खा जाएंगी, क्या करती हैं ये वेट करती हैं कि छोटी मछली जो उनके मुंह से बाहर आ जाए। इस बीच अगर उन्हें शिकारी का शिकार बनना पड़ता है या हमला होता है उन पर किसी तरह का, तो जो लॉस होता है वो बर्दाश्त करती हैं ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सपोज वो अपनी सुरक्षा के लिए इन क्लीनर फिशेस को खा जाए एट टाइम ऑफ डिफिकल्टी तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम ये फिर से क्लीनर फिशेस जो होंगी वो उन्हें नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रेसिप्रोकल अल्ट्रूइज्म शो कर रही है बिकॉज ये क्लीनर फिशेस उन्हें साफ़ सफाई प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी जो हाइजीन है उन्हें मेंटेन करने में मदद कर रही हैं, तो बदले में जो बड़ी फिशेस होती हैं वो क्या करती हैं इनकी सुरक्षा का ख्याल रखती हैं। दूसरा एग्जांपल है चिंपैंजीज के बीच में। सो चिंपैंजीज में भी देखते होंगे एक क्या होता है, एक दूसरे को साफ सुथरा करते रहते हैं वो, उनमें ये होता है कि इफ़ यू स्क्रैच मी देन आई ऑल्सो स्क्रैच बैक टू यू। ओके यानी अगर वो उनकी साफ सफाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो बदले में वो भी एक दूसरे को मदद करते हैं। इस तरह का आप मंकीज में भी देखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा रेसिप्रोकल अल्ट्रूइज्म का केस। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड क्वेरी यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम, माई चैनल इज लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। ओके यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक पेज विच इज ऑल्सो लाइफ साइंस ट्यूटोरियल्स। ओके सो वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज एस्माला ट्यूटोरियल्स। ओके थैंक यू, बाय बाय।